के होंडा सिटी गाड़ी आई और उसके पीछे से दो मोटरसाइकिल आके एक ने आगे लगा दी और उनमें पांच छह लड़के उतरे और उन्होंने उस गाड़ी पे बैठे हुए आदमी पे हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से हाथ में रॉड और डंडा लिए हुए थे, उन्होंने हमला किया। और जब मैंने जाके देखा तो वो तगाम कॉलेज के प्रिंसिपल इकबाल सिंह सिंधु थे, जिनको मैं पहले से जानता हूँ, जो नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे। और जब देखा तो वो उसे मारने लगे, गाड़ी से खींचकर खिड़की से और नीचे गिर के मारने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि बल्लमगढ़ की तरफ से एक PCR की अपने पुलिस की गाड़ी आई, जिसे देखकर वो लड़के एक बाइक लेके भाग गए उसी पर बैठकर और एक मौके पर छोड़ गए। तो अब कैसी हालत बताई जा रही है आप अस्पताल? हालत बहुत सीरियस है और अभी डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे हैं और पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखते हैं। दिन पर दिन अपराध बढ़े जा रहे हैं, फरीदाबाद सिटी के अंदर अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई बह नहीं रहा है। ये आज सुबह करीब 11:30 बजे की घटना है। तिगांव कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज जा रहे थे, PPTP थाना एरिया के क्षेत्र में दो बाइक सवार के पाँच छः लड़के थे, उन्होंने प्रिंसिपल के साथ मारपीट की है। वो सेम टाइम हमारी PCR पहुँच गई थी वहाँ पर, उन्होंने तिगांव जो प्रिंसिपल हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और अभी SHO हॉस्पिटल में ही है। जो घायल प्रिंसिपल हैं, पीड़ित प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। जैसे शिकायत मिलेगी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी धरपकड़ की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। सेम टाइम पे PCR पहुंच गई थी, उसी समय आरोपी भाग रहे थे, फिर भी पुलिस के हाथ से निकल गए, क्या कहना है? नहीं, वो जो मारपीट में जो प्रिंसिपल चोट खा के नीचे गिरा हुआ था उसको उठाना बहुत ज़रूरी था और PCR में हमारे 2-3 एम्प्लॉय थे, उनको उठाने के लिए गए, तब तक वो अपना जो इंसिडेंट करके वो भाग चुके थे। लेकिन CCTV फुटेज में आ गए, हम उनको जल्द अरेस्ट करेंगे।